के घणी दूर से दौड़ियो थारी गाडूली के लार अर 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 गाडूली के लार गाड़ी में बिठा ले रे बाबा जानो है नगर दौड़ते नरसी जी की गाड़ी को रोक ही लेते सामने आकर खड़े रहते थे। भगवान कहते संतो भगवान कहते इतनी देर से आवाज लगा रहा हूं उबारो 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 सुनो ही नहीं। अंधे तो दिख रहे हो पर मुझे बहरे ही बहुत दिख रहे हो। नरसी जी कहते भाई बहरा कोई नहीं पर काम क्या है। भगवान कहते हैं मुझे भी साथ ले चलो मैं भी आपके साथ जाऊंगा। नरसी जी कहते देख भाई तू तो मोटी यार और हम सब बूढ़े तुम्हारी हमारी जोड़ी कहाँ बनती है। अरे तुम तो पैदल ही हमसे जल्दी पहुंच जाओगे और हम हमारे अधर अधर आ रहे हैं तुम्हारा हमारा साथ नहीं बनता भाई तुम तुम्हारे जाओ। जय श्री कृष्ण नारायण नारायण बहुत अच्छे मिले तुम तुम्हारे जाओ। भगवान कहते नहीं मैं आपके साथ चलूंगा। अरे नरसी जी कहते हमारे साथ जाकर करोगे क्या। नरसी बोलियो थारे सागे के करसी नरसी बोलियो थारे सागे के करसी ओढ़न कपड़ा नाही बैठ सिया मरसी ओढ़न कपड़ा नाही बैठ सिया मरसी पूठा बैल देखिए कितनी अच्छी मारवाड़ी बोल रहे हैं आप है ना। और जोर से गाड़ी में बाबा जानो है तो किस किस को अंजार नगर जाना उठाना पूरे पूरे हाथ तालियां जोरदार। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा जानो है नगर अंजार ठाकुर जी कहते बाबा जी मैं आपका कोई नुकसान नहीं करूंगा आप मुझे साथ में ले चलो बस मैं आपकी सहायता और करूंगा। नरसी जी कहते मोटियार ये सर्दी की रात जंगल का रास्ता जाने का अभिप्राय क्या है क्यों जा रहे हो ऐसा क्या काम है कि तुम आधी रात को निकल रहे हो। अरे भगवान कहते हैं कि मैंने सुना है नरसी मेहता अंजार नगर में मायरा भरने के लिए जा रहा है तो मैं वो मायरा देखने के लिए जाऊं
एलो नरसी जी कहते तब क्यों गोडा घिसे भाई, ये पीछे पड़ा मायरा, जाकर देख ले यही मायरा और मैं नरसी मेहता, जाकर देख ले। भगवान कहते मैंने देख तो लिया पर मुझे चाव बहुत है, मैं भी तो कुछ करूं वहां पर। अरे नरसी जी कहते तुम क्या करोगे, बोले मुझसे कुछ हो सके तो पूर्ण पावला थाली में घालू। पूर्ण पावला माने रुपया पैसा नेग। उन्होंने कहा कि मैं ही पूर्ण पावला थाली में गाल। पूर्ण पावले की बात आई कि सूरदास जी का माथा चला। सूरदास जी कहते नरसी जी ये मोटी यार काम का है। नरसी जी कहते काम का कैसे, बोले देखो हमने सामान की जगह तुम्बा तुम्बी ले लिया, बोले हाँ ले लिया। कपड़ा लत्ता की जगह टोपिया और लंगोटियां ले लिया, बोले हाँ वो भी ले लिया। बोले पण रोकड़ रुपया तो लिया ही नहीं, वहां रोकड़ रुपये का भी तो काम होगा। अरे रोकड़ रुपया का काम हो इसको आगे कर देना। और ये जैसे ही थाली में कुछ गाले पीछे से कहते ना हमारी तरफ से ही है, ये हमारी तरफ से ही है, हमारा तो रोकड़ रुपये का काम निकल जाएगा। नरसी जी कहते हैं ये बात तो ठीक लग रही है। भगवान कहते क्या, नानी पैरो हाथ दे जी कहते मोटियार आपके पूर्ण पावले की बात तो हमको जच गई, हमारे रोकड़ रुपया का काम निकल जाएगा। पर इस गाड़ी की हालत तो देखो हमको ही नहीं पता कब बिखर जाए। भगवान कहते गाड़ी की हालत तो मैं भी देख रहा हूँ पर मैं तो जात का खाती हूँ, अभी सुधार दूँ। और भगवान तो बस गाड़ी के हाथ लगाई कि गाड़ी हवाई जहाज को पीछे छोड़े महाराज, ऐसी जोरदार हो गई। वो जो तेज चल रही है महाराज अब। और भगवान कहते अब आपको एक सुविधा और कर दूं। नरसी जी कहते कैसी सुविधा, बोले अब आपको गाड़ी चलाने की भी जरूरत नहीं। नरसी जी कहते कौन चलाएगा मेरी गाड़ी, बोले मैं, आप तो आराम से बैठे रहो। भगवान कहते हैं जोड़े माने जहाँ पर जिस पर बैठकर गाड़ी हाँकते हैं, और नारा माने बैल, ये आगे शब्द आएंगे इसलिए पहले ही बता रही। भगवान कहते क्या, जोड़े ऊपर बैठ हाथ सूमे नारा, जोड़े ऊपर बैठ हाथ सूमे नारा, ठेकर जो आराम दाब सू पग धारा, ठेकर जो आराम दाब सू पग धारा, घड़ी चार के तड़के बहुत बातें हो गई। नरसी जी बहुत खुश है, अब नरसी जी को लग रहा है सब कुछ हो गया मेरा काम, भगवान के दया से तो नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत तो हंसी मजाक हम भी करेंगे। भगवान कहते बाबा जी आपकी गाड़ी तो सुधर गई, बोले हाँ सुधर गई, खाती का काम पक्का है।
बोले अब गाड़ी सुधारने की मजूरी दो, मजूरी माने पैसा, फीस दो। भगवान कहते मजूरी दो। नरसी जी का तो 100 घड़ा पानी का ढुल गया। नरसी जी कहते हैं पहले कहना था कि मजूरी लगेगी तो हम विचार करते। अरे भगवान कहते मैंने कहा तो था मैं जात का खाती हूँ। जात का खाती माने ये मेरा धंधा है। अब सुबह से बोनी भी नहीं हुई, कम से कम बोनी तो कराओ। अरे नरसी जी कहते हमारे पास रोकड़ रुपया होता तो इस गाड़ी में क्यों जाते, हम हवाई जहाज की टिकट बनाकर नहीं जाते। भगवान कहते नहीं कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। नरसी जी कहते हैं मजूरी नहीं दो तो गाड़ी फिर से बिखेर दोगे क्या। अरे भगवान कहते बिखेरू तो नहीं पर कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। कुछ ना कुछ कहकर नरसी जी कहते तो मोटा तुम्बा दे दूं। भगवान कहते तुम्बा मेरे पास बहुत पड़े हैं, कुछ ना कुछ मजूरी दो। नरसी जी उदास हो गए। अरे भगवान कहते बाबा जी उदास क्यों हो, मेरी मजूरी तो सुन लो। बोले क्या है तुम्हारी मजूरी। बोले मेरी मजूरी कुछ नहीं है, मुझे तो बस भगवान का एक बढ़िया भजन सुना दो तो यही मेरी मजूरी। अब नरसी जी मग्न होकर भजन गा रहे, उनको पता ही नहीं है कि खुद सामने भगवान बैठकर भजन सुन रहे हैं। अच्छा किस किस को अंजाद नगर जाना है भगवान के साथ, मायरेदार बनकर उठाना एकदम पूरे लंबे लंबे हाथ, तालियां जोरदार। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा।